राजधानी लखनऊ के बॉलीवुड ब्लास्ट रेस्टोरेंट में श्रद्धा क्लब की महिलाओं द्वारा तीज उत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एडवोकेट दिव्या ने गणेश वंदना नृत्य के साथ की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रूबी राज सिन्हा शामिल हुई, जहां महिलाओं के लिए गीत संगीत और कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धा क्लब की संस्थापिका मंजू आनंद ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाली तीज के प्रति लोगों को जागृत करना है तथा भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को आज की पीढ़ी से अवगत कराना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि रूबी राज सिन्हा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में सभी महिलाओं को उपहार और खूबसूरत टाइटल से नवाजा गया और बॉलीवुड ब्लास्ट रेस्टोरेंट का भी आभार व्यक्त किया गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है। मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। आज सावन के महीने में बॉलीवुड ब्लास्ट रेस्टोरेंट में होटल में श्रद्धा क्लब की तरफ से तीज का आयोजन हो रहा है, हरियाली तीज का। और यहाँ पर सभी महिलाएं भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई हैं, खूब सज धज के आई हैं। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हमें अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब महिलाएं सस्ती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ और मेहंदी पहनती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जागरूक करती हैं और महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए अपनी परंपरा को, अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती मंजू आनंद और श्रीमती दिव्या आनंद के कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी महिलाएँ हरी वेशभूषा में आई हैं, हरी हरी चूड़ियाँ मेहंदी के साथ में, नृत्य संगीत के साथ में सम्मान और सावन का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है अपनी युवा पीढ़ी को कि आइए अपने धर्म संस्कृति से जुड़िए, देखिए हमारा हिंदू धर्म क्या क्या कहता है, रिश्तों को जोड़ता है और मर्यादित करता है। तो इस तरह का सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। कि जैसे कि आपने ये देखा है, श्रद्धा क्लब जो है, जो कि यहाँ की जो श्रद्धा क्लब की प्रेसिडेंट है मिसेस मंजू आनंद, जो कि मेरी माँ है, अपार्टमेंट में हम लोगों ने ये चीजें शुरुआत की हैं, जिससे लोग आगे बढ़े, संस्कृति को जाने, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। क्योंकि मुझे आजकल लगता है, जो कि मैं खुद एक यूथ हूँ, कि लोगों की जिंदगी केवल मोबाइलों में सीमित हो गई है। वो अपना कल्चर, लोगों का प्यार, बड़ों का सम्मान भूलते जा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को उद्देश्य रखते हुए, जो कि लेडीज बोर ना हो, एक अच्छे अच्छे काम सोसाइटी के लिए करते रहे, इसलिए ये श्रद्धा क्लब का जो है इनॉग्रेशन, ओपनिंग किया था। आप लोग उस समय मीडिया भी आई थी। आज ये लगभग नेक्स्ट ईयर में, ये जनवरी में एक साल इसको हो जाएगा। तो मैं सारे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इनके सहयोग के साथ ये क्लब आगे बढ़ रहा है और आगे हमेशा बढ़ता रहेगा। तो हमारे क्लब के मेंबर्स, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सारे मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां। बहुत समय समय के साथ हमेशा सहयोग करते रहते हैं। सिमी अरोड़ा जी का बहुत सहयोग रहता है, रूपा, मिस पूजा श्रीवास्तव, आपका निहारिका राव, मीना, मिस मीना आंटी, रिमझिम, मधु, एवरीवन, जितने आप लोग को लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग प्लीज कवरेज करिए, क्योंकि सब अपना समय निकाल के आते हैं। मेरी यहाँ बहुत ही खास दोस्त रीमा और मधु और सारे लोग, जूही, अनामिका, सब लोग यहाँ पे आए जो कि अपना समय दे रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ और पुनः धन्यवाद बॉलीवुड ब्लास्ट। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं ये बता देना चाहती हूँ, मेरी शुरू से ये एम रहा है लाइफ का कि अगर 24 घंटे में इंसान अगर एक भी नया कार्य करता है तो वे आगे की ओर जरूर बढ़ता है। बस इसी ही इच्छा ने मुझे आगे की ओर अग्रसर किया और ये श्रद्धा क्लब जो मैंने जो स्टार्ट किया है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैं इसमें गरीबों का भला कर सकूँ, गरीब लड़कियों को पढ़ा सकूं, जो आशाएं हैं उनकी मदद कर सकूं, गरीबों को कपड़े बांट सकूं। इस तरह से मेरा ये उद्देश्य लेके चल रही हूँ और बस भगवान का आशीर्वाद रहेगा और आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं इस कार्य को बिल्कुल संपन्न पूरा करके दिखाऊंगी। इसी एम से मैं इस क्लब को मैंने स्थापना की है और बस यही चाहती। जैसा नाम है श्रद्धा क्लब, उसी श्रद्धा से साथ आज आपने जो है संस्कृति की और तीसरा चाहते
कि जो आजकल के बच्चे जो मैं देख रही हूँ आज लोग जो है पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं, तो ये एक हम लोग याद करवाने के लिए कि ये हम लोग कल्चर और ये एक्टिविटीज इसीलिए करते हैं कि हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े रहे, हमारे बच्चे भी जाने कि हमारे रीति रिवाज क्या है और उनका पालन करें और उनको देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।